The name's Bond. James Bond. रुक जाए, चलो बोलंदे, मौले नू मौला ना मारे, ते मौला नहीं मरता। आप कौन है? मेरा नाम परी परवीन है। मगर आप आई कहाँ से हैं? मैं इस अंगूठी से निकली हूँ। वो जटन बॉन्ड का इंतजार कर रहे हैं, जामन जिन्होंने मक्खियों की तरह पकड़ के लाए और डॉक्टर ईवल उनका तड़का बचा देगा। अब आ रही है तुम्हारी मौत। मैं इस अंगूठी में कैद थी और मुझ पे बस एक शर्त थी कि जब तक कोई ये अंगूठी नहीं पहनेगा मैं इसे बाहर नहीं निकल सकती। ओहो भाई, होना क्या था? ये जब जटन बॉन्ड के पास पहुंचा ना तो वहाँ पे कोक ऑफ का इसका पुराना प्यार परी परवीन बैठी हुई थी, इसलिए ये खाली हाथ वापस आ गया। तारे डूब गए ने, रात मुक गई है, गल्ला मुकिया नहीं, अजे प्यार दिया। मैंने तुम्हें किस काम भेजा था और तुम किस काम निकल पड़े? अगर हाई कमान ने मुझसे रिपोर्ट मांग ली तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? जिन्हों और परियों की कहानियां जुड़ाऊंगा। यानी कि अब उस घर से भी उस तावीज का असर खत्म हो चुका है। जी मेरे आका, परी परवीन के आते ही उस घर से तावीज का असर जायल हो चुका है। खेलूंगा तो मैं तुम दोनों की जिंदगियों के साथ, और वो भी डॉक्टर ईविल के सामने। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उससे पहले मेरी लाश गुजरना होगा मकान जिन। कौन है बदतमीज? जामन का तो सारा मसला है। जामन का क्या मसला हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, आजकल सीजन है, सही आ रहे होंगे। मैं जामन जिन की बात कर रहा हूँ। उसे क्या हुआ है? वो अभी तक वापस नहीं आया। ओहो, आप फिक्र ना करें, आ जाएगा। जिन टाइप आदमी है, उसको क्या होना है? लेकिन उसे गए हुए एक घंटा हो गया। आपकी बेचैनी देख के मुझे लग रहा है कि आपके इस पे पैसे लगे हैं। पैसे रेट कितना है? 5 का 2 है। बड़ा रेट है भाई, मेरी तरह से 50 रुपए भी लगा दें आप। मुद्दा साहब, मैं सीरियस हूँ, और मुझे सीरियस होने के लिए कभी कोई मिलती नहीं। मुझे डर ये है कि कहीं वो जामन दिन उस परी परवीन के सामने हमारा भांडा ना फोड़ दे। ओहो, आप फिक्र ना करें, फूटेगा तो सही पर हमारा सार। कहीं वो उस परी परवीन के मोहब्बत में गुम ना हुआ। मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकता। चलो फिर जामन ही खाते। क्या? जामन, तुम? परी परवीन, तुम? जामन, तुम यहाँ कैसे? उड़ कर, और तुम? चल कर, मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे जालिम बाप ने मुझे चिराग में बंद कर दिया था, मगर तुम्हें क्या फिक्र? तुम तो गई थी ना उस शाही खानदान के जिन से शादी करने। हाँ गई थी, लेकिन रास्ते में कालीन की गैस खत्म हो गई थी। मेरा मतलब है कि गई थी लेकिन शादी ना की। जामन, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में शादी से इनकार कर दिया। क्या? हाँ जामन, और फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे एक अंगूठी में बंद कर दिया और उस अंगूठी को शहर से दूर दरिया में फेंक दिया। काट काट काट, हम लोग यहाँ खड़े होकर थक गए। डायलॉग उस वक्त से आप लोगों के चल रहे हैं, हम लोग एमी फ्रेम में खड़े हैं, हम लोग थोड़ी देर बैठ जाएं। ओके। हाँ तो परी परवीन, तुम क्या कह रही थी? हाँ, और मुझे उस अंगूठी में कैद कर दिया, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मुझे चिराग से मेरे आका डॉक्टर ईवल ने आजाद करवाया है। दोबारा पकड़ सकते हैं आप? क्यों? वो जी हमारी लाइनें आ गई ना फिर से। ओके। डॉक्टर ईवल, ओह नो। जामन छोड़ दो इन लोगों को। नहीं परी परवीन, मेरे आका डॉक्टर ईवल का हुक्म है कि इन दोनों को उनके पास लेके जाओ। जामन तुम पागल हो गए हो, ये अच्छे लोग हैं और वो डॉक्टर ईवल ईवल है। नहीं, उन्होंने मुझे आजाद करवाया है और वो मेरे आका है। और इन्होंने मुझे आजाद कराया, ये मेरे मोहसिन है। हम दोनों को यहाँ फंसाने वाला हमारा डायरेक्टर है। परी परवीन, इन लोगों ने तुम पर जादू कर दिया, तुम अपने होशो हवास खो बैठी हो। जामन तुम पागल हो गए हो। परी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इनकी जंगल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करा दूंगा। ये आजाद होने वाली ऑप्शन हमें मिल सकती है? आजाद तो मैं तुम्हें करवाऊंगा, मगर इस दुनिया से
जामन मैं कहती हूँ रुक जाओ। नहीं परी परवीन। जामन अगर तुमने एक और कदम उठाया तो नीचे फर्श गीला है, आप गिर सकते हैं। तो क्या? तो मैं तुम्हारी हिफाजत की गारंटी ना दे पाऊंगी। परी परवीन, तुमने इन लोगों की खातिर मुझे धमकी दी? हाँ जामन। क्या तुमने इन लोगों की खातिर मुझे धमकी दी? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इन लोगों ने तुम पर जादू किया था। परी परवीन, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मगर वो क्या? मगर सर वो जख्मी है। जिन जख्मी है? जिन भी जख्मी होते यार, ये क्या बात है? लगता है मुझे रोबोट्स बुलाने पड़ेंगे अगली दफा। मगर सर, उसे तो परी परवीन ने जख्मी किया है। परी परवीन ने जख्मी किया है, यानी कि मोहब्बत के हाथों मारा गया है। सर यार क्या यार, हद होगी। यानी कि मेरा तो कोई भी प्लान पास नहीं होता, सारे फेल हो जाते हैं। पता है मुझे अपना अपना वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री लगना शुरू हो गया है। सर आप ऐसा ना सोचें, अब आपकी जिंदगी में एक उम्मीद की करण, ये दिल आपका हुआ बनकर आ गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि जामन जिन तो जख्मी होकर आया, पर आपके लिए एक तोहफा लाया है। यानी कि खिलौने और वो चीजें और वो छोटे छोटे, मतलब तोहफा सर। क्या तुम लोगों के घर में जिन? यस चीफ। तो फिर मैं फोन बंद कर रहा हूँ। क्यों? कहीं वो फोन के जरिए मुझ तक ना पहुँच जाए। इमली, मुझे जिनों भूतों से बड़ा डर लगता है। चीफ, तो हम कौन सा बचपन से जिनों भूतों के साथ बर्फ पानी खेलते रहे। मगर चीफ, अब वो जामन जिन भाग चुका है। परी परवीन ने उसे जख्मी करके भगा दिया। मगर परवीन परी नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। ओहो चीफ, मैं आपकी सास परवीन नहीं, परी परवीन की बात कर रही हूँ। ओके ओके ओके। लिसन टू मी चीफ, जामन जिन आया मगर परी परवीन ने उसे जख्मी किया और अब वो भाग चुका है। अरे वाह, क्या बात है नसरीन परी की। ओहो परी परवीन चीफ। ओहो क्या करूं, परवीन को परी कहने को दिल ही नहीं चाहता। तुम ऐसा करो कि परी परवीन को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लो, वो चट एंड बॉन्ड से तो बेहतर निकली। Well, duh. After all, वो परी है, चीफ। तुम ऐसा करो कि परी परवीन को अपने साथ रखो, बल्कि यूं करो कि तुम लोग परी परवीन के साथ रहो। अब मैं देखता हूँ कि डॉक्टर रीवल हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। चीफ, परी तो हमारे साथ है, मगर जाते जाते डॉक्टर ईवल जरा छोटा सा नुकसान कर गया। क्या जामन से लड़ाई में कोई गिलास वगैरह टूट गए? थोड़ा सा और। अच्छा अच्छा अच्छा, चंद प्लेटें वगैरह टूट गई होंगी। थोड़ा सा और चीफ। तो फर्नीचर वगैरह टूटा होगा। थोड़ा सा और चीफ। भाई इससे ज्यादा और क्या थोड़ा हो सकता है? चीफ वो बॉन्ड को ले गया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बॉन्ड को उठा के ले गए? मेरे सुपर हीरो को उठा के ले गए? जी चीफ। मगर कहां? बहुत आला भाई, बॉन्ड हमारे कब्जे में। मुझे भी जाके इसके लिए कुछ जूस शूस लेकर। मेरे लिए आइसी, मुझे मीठा मना है। आइसी? तुम यहाँ पे पिकनिक करने आए हो या अखवा हुए हो? वैसे तो मैं पिकनिक वाली ऑप्शन चूज करता, मगर फिलहाल अखवा होना चाहिए। अच्छा अच्छा, चुप करो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं था भाई। जामन, इस दफा तुम छा गए हो, बहुत ही आला यार, बड़ा इंप्रेस हूं मैं तुमसे। माफी डॉक्टर ईवल, मगर मैं आपका काम पूरा ना कर सका। और अपना काम करवा लिया। हाय हाय, इतने ज्यादा शदीद जख्म लगे हैं। जो जख्म कहां पर लगा है उसके मुकाबले में तो ये जख्म बहुत छोटा है। मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि परी परवीन जो है ना, वो जरूर इनके चुंगल में। जंगल में? जंगल में नहीं, चुंगल में। जामन, ये लोग तुम्हें पागल बना रहे, असल में तुम इनके जाल में फंसे हुए हो। और भाई तुम इनकी बातें ना सुनना, असल में ना ये वो डर के बुखला गए। मैं बिल्कुल नहीं बुखलाया,
हाँ डर बहुत लग रहा है मगर जमन ओ भाई चुप मुते भाई मुंह बंद कराओ इसका सर जी बोली जा रहा है ये ले डॉक्टर ईवल की आईएसओ 2004 सर्टिफाइड बंदा बेहोश शराब एग्जैक्टली खैर आगे चलते हैं जामन भाई तुम इसकी बातों का यकीन ना करना असल में तुम्हें ये बेवकूफ बना रहा था डॉक्टर ईवल आप फिक्र ना करें मुझे सिर्फ परी परवीन की फिक्र ओ भाई तुम उसकी फिक्र ना करो उसका हम जरूर कुछ कर लेंगे तुम यूं करो तुम जाके फिलहाल ना रेस्ट करो हाँ यहाँ बस जाओ आराम करो मेरे हाँ बिल्कुल अजीब बचत हो गई है कहीं इसका दिमाग सही हो गया तो भाई दिमाग सही होने से पहले हम प्लान बनाते हैं ये बड़ा चाहिए इधर नहीं इधर ना हो उधर जाओ और वो सेक्रेटरी को बुला के लाओ उसके साथ मिल के हम प्लान बनाएंगे जाओ माँ बस कर यार हाय हाय किस तरह से बस कर दो उठा कर ले गए मेरे बॉर्ड को कोई तो बता दे अब क्या होगा ओ खाला जी अब चीखे तो ऐसा आहो खाला जी हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे क्यों ना चीखू मैं मेरे घर में तो जिन्नों और परियों की लड़ाइयां शुरू हो गई है मेरा मासूम बॉर्ड अब मैं किसकी बिस्ती करूंगी किसको ताने दूंगी माँ मैं हूँ ना नहीं पुत्री नहीं वो फीलिंग नहीं आती आए, जो बॉर्ड को जलील करके मेरे दिल और दिमाग को सुकून मिल जाता था खाला जी आप प्लीज टेंशन ना लें कुछ ना कुछ हो जाएगा अब क्या हो सकता है तो जाने मेरा बॉर्ड किस हाल में होगा किसी ने उसे चारा भी डाला होगा कि नहीं क्या मेरा मतलब है कि किसी ने उसे खाना भी दिया होगा कि नहीं ओए होए मां 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 बस कर दे वकील साहब मुझे बताएं एमिली बीबी कहां है वो तो परी परवीन के पास गई है क्यों पता नहीं परी परवीन कुछ अफसुर्दा थी परी परवीन ओ परवीन जी थैंक यू आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं क्योंकि कोई साथ खड़े होने वाला था ही अरे अब मैं हूँ ना तो अब मैं अकेली भी नहीं हूँ ना गॉड तुम इतनी इंटेलिजेंट कब से हो क्योंकि मैं एक औरत हूँ तो फिर जरूर आप इस बात पे यकीन रखती होंगी कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है सिर्फ हाथ नहीं घुसे मुक्के ठुड्डे लाते सब होते और एक नाकाम आदमी के पीछे एक नहीं बहुत सी औरतों का हाथ होता है शायद इसीलिए राजीव हमें छोड़ के चला गया राजीव के लिए सक्सेना खानदान की जायदाद ज्यादा कीमती है कट यार कट करो जरा मैडम ये कुमकुम नहीं चल रहा ये जट एंड बॉन्ड चल रहा है एक्टिंग कीजिए जरा एक्शन मैं माफी चाहती हूँ मैं बॉन्ड साहब को बचा नहीं सकी परवीन परी आपको बॉन्ड को ना बचाने की ज्यादा अफसोस है या जामन जिन को जख्मी करने का उसको जख्मी करने से ज्यादा मुझे उसके बदलने का अफसोस है फिक्र ना करो परी परवीन वो ठीक हो जाएगा अभी उसे डॉक्टर ईवल की असलियत का नहीं पता खुदा करे पता चल जाए ना जाने मेरा जामन मुझे वापस मिलेगा कि नहीं वो आपकी इस दुनिया में ना जाने कहाँ खो गया है सर जी ये तो बहुत ही जालिम प्लान यस मेरा जो है लेकिन सर वो जामन जिन को पता लग गया तो वो भाई जामन जिन को नहीं पता लगेगा कि हम उसे यूज कर रहे हैं और सर उसकी वो लव परी परवीन वो भाई ये परी परवीन जो है ना उसने एक दफा हमला करके जामन जिन को यकीन दिला दिया है कि वो उनके चुंगल में है अब हमने सिर्फ ये करना है कि हमने उस यकीन को कायम रखना है अपने मिशन के पूरे होने तक यानी उसकी आंखों में धूल झोंक देनी है पर धूल सर पैरों में नहीं होती ओहो भाई तुम एक तो नालायक आदमी के नालायक कजन हो पर सर मैं तो पास एंट्री का कजन नहीं हूँ अच्छा अच्छा ठीक है जो भी अब वो भाई कोई तुम इस जाके ना वो जामन जिन को बुला के लाओ ताकि हम उसके कान भर सके सर मिट्टी से या तेल से रुई भी है वैसे ना जी खाली भर दे आका मैं आपकी सारी बात समझ चुका हूँ तो फिर तुम अब क्या करोगे वही जो करना चाहिए वो लोग नहीं बचेंगे हैं तो मैं एक्सचेंज की बात करूँ जो हुक्म आका यस चीफ मगर चीफ ये कैसे ओके चीफ
ओके बाय। क्या हुआ अभी, क्या कह रहे थे चीफ? वो कह रहे थे कि उनको डॉक्टर ईविल का फोन आया है। ओ जी, एक तो मुझे आपके चीफ की नहीं समझ आती। ओ जी, उस बंदे को ऑफिस में कोई और फोन नहीं करता, सारा दिन वो ईविल से फोन पे बात करता रहता है। ओ, उसको छोड़ो। ये बताओ कि वो डॉक्टर ईविल का बच्चा क्या कह रहा है? वो कह रहा था कि वो बॉन्ड को सिर्फ एक ही शर्त पे वापस करेंगे। वो क्या? वो उसको बॉन्ड के बदले में परी परवीन चाहिए। हमें इस एक्सचेंज की क्या जरूरत है मेरे आका? फोन करने के लिए। भाई, टेलीफोन एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, दूसरे वाले की बात कर रहा है। सॉरी सर। हाँ, चुप करो। तो जामिन जी, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम में और मुझ में क्या फर्क है? जी आका। तुम में और हैं? क्या फर्क है? मैं जिन हूँ और आप इंसान हैं। ओहो भाई, मैन्युफैक्चरिंग वाला फर्क नहीं, दूसरा वाला फर्क। नहीं आका। तो तुम में और मुझ में ये फर्क है कि तुम कभी भी अपने दिमाग से नहीं सोचते और मैं सिर्फ तुमसे काम ले लेता हूँ। भाई चुप करो, मैं सिर्फ अपने दिमाग से सोचता हूँ। आका, इस मसले में पड़ने से बेहतर है कि हम परी परवीन को उठा के ले आए। और जिन साहब, आपने क्यों हदूद के केस में अंदर होना था? भाई तुम चुप करो। और उस मौला जट को भी, इस तरह मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी और आपको आपका दुश्मन। हाँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक मिशन होगा। आका, आप मेरी मोहब्बत की खातिर अपने दुश्मन को वापस करने को तैयार हो गए हैं? हाँ, तुम्हारी खातिर मैं ये करने को तैयार हूँ। सर, मुझे लगता है कि आपका दिमाग में भी कुछ भी नहीं है। ओ भाई तुम चुप करो ना। सर, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो। मैं एक खास प्लान बना के तुम चुप कर क्या कर रहे हो? देखो, जट एंड बॉन्ड को तो मैं कभी भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं ये करने को तैयार हूँ। क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? ओ नहीं जी, ये कैसे नहीं हो सकता। ओ जी, एडी सोनी कुड़ी देखे ऐसी, एडे कोजे मुंडे ने वापस बुला लिए। ओ नहीं जी। तो नाले पहले बॉन्ड उनके पास है, अब हम उस मासूम बच्चे की जिंदगी भी खतरे में डाल दें। मगर अगर हमने ऐसा ना किया तो वो बॉन्ड को मार देंगे। ओ नहीं जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल परी परवीन कहीं नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी, बल्कि जरूर जाऊंगी। ना रुक सके ऐसा मतलब तू।